नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 2 दिन के कानपुर दौरे पर हैं। वहीं उनके इस दौरे के दूसरे दिन उन्होंने ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि करीब 30,000 दर्शकों की क्षमता वाले इस ग्राउंड का दिन प्रतिदिन आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आज कानपुर दौरे के दौरान ग्रीन पार्क स्टेडियम के विजिटर गैलरी को भी देखा, यहाँ के पार्क को भी देखा, यहाँ जो प्रैक्टिस के स्थान है उसे भी देखा और जो तमाम सारी योजनाएं यहाँ के सभी अधिकारियों ने विशेष तौर से, चाहे वो स्मार्ट सिटी से संबंधित हों चाहे खेल विभाग से संबंधित हों, सब लोगों ने जो सराहनीय प्रयास किया है, जितनी भी प्रशंसा किया जाएगा वह कम रहेगा। लखनऊ में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आपके प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में लोगों को 15 लाख करोड़ रुपए की चोट पहुंचाई गई। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चों के दूध पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, साथ ही आटा दाल चावल पर भी टैक्स लगाया गया है। भारत की सरकार के द्वारा देश के खजाने पर 15 लाख करोड़ रुपए की जो चोट पहुंचाई गई है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में जो लूट की गई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा उसके खिलाफ और खजाना खाली होने की वजह से बेरोजगारी और महंगाई की जो बेतहाशा वृद्धि हुई है उसके खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। खबर शाहजहांपुर से है, जहां यूपी कारागार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी धर्मवीर प्रजापति ने आज कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने महिला बंदी महिलाओं से बात की, साथ ही जेल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने पुरुष बैरक की निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि मंत्री ने जेल में बने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर पौधारोपण भी किया। राजधानी लखनऊ के सीएमएस में आज वार्षिक अभिभावक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री के पूर्व सचिव आईएएस आलोक कुमार सम्मिलित हुए। वो विद्यालय के संस्थापक जगदीश गांधी भी मौजूद रहे, साथ ही मेधावी छात्रों के अभिभावकों को सम्मानित किया गया। वहीं बच्चों ने इस प्रकार के कार्यक्रम में प्रस्तुत किए गए। जी, आज बहुत अच्छा लगा मुझे आकर के, एनुअल पेरेंट्स डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है और जिस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिस तरह से बच्चों ने खास तौर पे मेहनत की है, लाइक दे ऑल डिड ए फैंटास्टिक जॉब। और मैं इस समय इस अवसर पर मैं बच्चों को, पेरेंट्स को उनके और टीचर्स को, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है, मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामना देना चाहूँगा। एक और जो मैसेज बार बार सीएमएस की तरफ से कन्वे होता है रिगार्डिंग वर्ल्ड यूनिटी, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं अगेन जगदीश गांधी जी को, जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने के लिए काम किया है, मैं अपनी ओर से भी उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आगे उनके इस प्रयास को सफलता मिलेगी। कार्यक्रम हो रहा है, अभिभावक दिवस है और इसमें बच्चे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। दादा दादी के सम्मान में कार्यक्रम हुआ, सबसे पहला जो आइटम था वो दादा दादी के सम्मान में था और इसमें बच्चों के सभी कार्यक्रमों में विश्व एकता, विश्व बंधुत्व, मानव मात्र की एकता, धार्मिक एकता, तो इन सब चीज़ों पर जोर दिया गया है। और यहाँ मदर्स ने भी जो गाना गाया उसमें भी यही था कि हमारे बच्चे महान बने, देशभक्त बने, दुनिया की मानव जाति की सेवा करें, विश्व को एक करें। खबर प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र से, जहां गांव में थाना दिवस के अवसर पर दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस और राजस्व टीम जमीन का नाप कराने पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। वहीं पथराव के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, साथ ही वहां पर मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंची। पुलिस टीम के साथ वहां एसपी भी पहुंचे। वहीं घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, साथ ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
अब्दुल्ला थाना हंडिया क्षेत्र का मामला है। आज थाना समाधान दिवस के उपरांत पुलिस और राजस्व टीम द्वारा संयुक्त रूप से जमीनी प्रकरण का निस्तारण प्रस्तावित था। उसके पूर्व ही विपक्षी द्वारा यहां पर मौके पर दो पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थर चला दिए गए, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उनका मेडिकल कराया जा रहा है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी में गंगा पूरे रौद्र रूप के साथ बह रही है, जिसके चलते लंका क्षेत्र के सामने घाट मारुति नगर कॉलोनी में गंगा का पानी पहुंच गया है। साथ ही लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। इस बीच प्राइम टीवी के संवाददाता ने मारुति नगर का जायजा ले लिया। देखिए ये रिपोर्ट। हम इस वक्त मारुति नगर के दूसरे छोर पर हैं। आपको तस्वीरों में साफ दिखाएंगे कि देखिए लोग प्लान कर रहे हैं, लोग किस तरीके से यहाँ से जा रहे हैं, कितने पानी से होते हुए लोगों को जाना पड़ रहा है। और रास्ता जो है वो पूरी तरीके से, देखिए दोनों तरफ रोड है जो कि मतलब पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, और लोग अपने सर सामान के साथ किस तरीके से रास्ते को पार करते हुए जा रहे हैं, ये बड़ा ही लोगों को देखने का विषय है कि देखिए लोग इस वक्त काफ़ी मशक्क़त से गुजर रहे हैं, काफ़ी दिक्कतों से गुजर रहे हैं। लोग जो है यहाँ पर प्लान करने के लिए मजबूर हो चुके हैं और लोग अपने घरों को छोड़ करके अपने गांव की ओर या जिधर भी उनको साधन मिल रहा है वहाँ जा रहे हैं। पूरी तरफ से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर जलमग्न हो गया है, पूरा मकान चारों तरफ से घिरा हुआ है पानी के बीचों बीच। लोग दूसरे तलों पर भी देख सकते हैं कि आप दूसरे तलों पर हैं और वहाँ से अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को जो है कि वो नाव के द्वारा उनको दी जा रही है, पहुँचाई जा रही है। सुरक्षा जो है, हालांकि सुरक्षा जिला अधिकारी महोदय की तरफ से यहाँ दो नावें चलाई गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को खाद्य सामग्री वगैरह पहुँचाई जा रही है, लेकिन लोग अपने कमरे में पूरी तरीके से बंद हैं और मजबूर हैं कि कुछ भी नहीं किया जा सकता है। वैसे में वाराणसी से प्राइम टीवी के लिए आफताब आलम। खबर सोनभद्र से है, जहां जनपद के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान फरियादों की समस्याएं सुनी गई, साथ ही शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण करने के भी निर्देश दिए गए। मैनपुरी से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां 5 मंचलों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़िता की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और पीड़िता का मेडिकल कराया। साथ ही किशोरी पर गंभीर अवस्था में वन स्टॉप सेंटर वार्ड में उपचार चल रहा है। बता दें कि थाना किशनी क्षेत्र का मामला है। हमारे दो मकान है, नया मकान पर बिटिया गई थी तो वहाँ से जो मतलब लोग 5 लोग थे वो उठा ले गए मकान के खेत में जी। जब हम पहुँचे वहाँ देखी तब बिटिया बेहोश पाई, तो वहाँ में वो एक सैनोज और मोनू और विनय और पुष्पेन और लालू, इतने लोग थे। आपके गांव के ही बंदे थे ये? हमारे गांव का किसी अंतर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ दुराचार की घटना प्रकाश में आई। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस द्वारा उसका मेडिकल कराया गया। परिजनों के तहरीर के आधार पर 6 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और उसमें से एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य की तलाश में की जा रही है, अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर देवरिया से है, जहां सुभाष चौक पर डीएम ने ठेला और पटरी व्यवसायियों की बैठक बुलाई। साथ ही बैठक के दौरान पटरी व्यवसायियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि पटरी व्यवसायियों ने डीएम को चेतावनी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर को तत्काल रुकवाया जाए, नहीं तो ये प्रदर्शन आगे भी चलेगा और हम रोड पर उतरने को बाध्य होंगे। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक महीना पहले एक आदेश जारी किया था, जिसका वीडियो क्लिप पूरे शहर में मौजूद है सबके पास है, कि अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन उन्होंने उसका दायरा भी तय किया था। अतिक्रमण हटाने से पहले उनको व्यवस्थित कर दिया जाए, लेकिन देवरिया में जिला प्रशासन और नगर पालिका के अनुशासी अधिकारी रोहित सिंह जी ताराशाही करते हुए केवल गुजारने का काम कर रहे हैं, दुकानदारों को दुकानों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको कोई जगह मुहैया नहीं करा रहे। हमीरपुर में बाढ़ से हड़कंप मच गया है, जिसके चलते कई गांवों का संपर्क मार्ग टूट गया है। वहीं तटीय इलाके में रहने वालों के घरों में पानी घुस गया है। आपको बता दें कि लोग घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। साथ ही जिला प्रशासन राहत कार्य में जुट गया है।
खबर सुल्तानपुर से है, जहां केंद्रीय विद्यालय के छात्रों की टीम ने गोरखपुर केंद्रीय विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय की टीम ने खेल प्रतियोगिता में भाग लिया, साथ ही कई बच्चों ने इस प्रतियोगिता में मेडल जीते और जिले का नाम रोशन किया। मेरा नाम ज़ेबा परवीन खान है, मैं केंद्रीय विद्यालय अमट सुल्तानपुर में प्राथमिक शिक्षिका हूँ और मुझे दो बच्चे अक्षरा और सोनाक्षी इनका स्क्वाड बनाकर इनको लेकर भेजने की जिम्मेदारी दी गई थी केंद्रीय विद्यालय AFS नंबर 1 गोरखपुर में। और वहाँ पर इन दोनों बच्चों ने अपने अपने इवेंट में पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से सोनाक्षी को 3 गोल्ड मेडल और अक्षरा को 2 मेडल्स प्राप्त हुए। और वहाँ पर बच्चों का प्रदर्शन बहुत ही देखने लायक था। दोनों बच्चों ने अपने जिले का नाम रोशन किया, KV अमर्ट सुल्तानपुर का नाम रोशन किया और इस इवेंट का पार्ट बनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरा नाम सोनाक्षी कनौजी है, मैं क्लास 10C की हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय अमर्ट सुल्तानपुर से हूँ। हम लोग खेलने गए थे केंद्रीय विद्यालय गोरखपुर में और हमारी स्क्वाड बन के मेरी मैम ज़ेबा मैम गई थी, बाकी और अक्षरा मेरे साथ गई थी, अक्षरा तिवारी। 100 मीटर 200 मीटर और लॉन्ग जंप में मेरा गोल्ड मेडल था। सर, पहले तो मेरे प्राचार्य महोदय ने हमें जिस तरह से मोटिवेट किया था और हमारे स्पोर्ट्स सर ने जिस तरह से हम लोग को मोटिवेट करके यहाँ सिखाए थे, हम लोगों को उस तरह से हम लोग वहाँ पार्टिसिपेट किए थे। बाकी हमारी मैम तो हम लोग का केयर करती ही थी, बाकी हमारे फादर भी थे हम लोग को, प्राचार्य जी ने पिताजी को भी मतलब कि इतना सपोर्ट किया था, इतना मतलब उनको मोटिवेट किया था कि हमें वो इतना सपोर्ट कर सकें। केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग द्वारा 2022 का संभागीय स्तर का खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय विद्यालय AFS गोरखपुर में हमारी दो बच्चियाँ गई थी, सोनाक्षी कनौजिया और अक्षरा। सोनाक्षी कनौजिया ने KVS का नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए 3 इवेंट में गोल्ड मेडल पाया और अक्षरा को भी 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मिला। साथ साथ केंद्रीय विद्यालय BLW में एथलेटिक्स का हुआ, इसमें बॉयज़ में गए, सचिन यादव ने 3 इवेंट में गोल्ड मेडल लिया, अभि सिंह को भी गोल्ड मेडल मिला और हमारे एक बच्चे को हैमर थ्रो में गोल्ड मेडल मिला। खबर हरदोई के थाना टडियावा क्षेत्र से है, जहां यूपी सरकार की तरफ से अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, साथ ही युवक ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। वहीं युवक ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत में बताया कि कुछ दिन पहले घर में चोरी हो गई थी, चोरों ने करीब 12 लाख रुपए समेत जेवर चोरी किए थे। वहीं अभी तक पुलिस अधीक्षक ने मामले की जाँच के आदेश ही दिए हैं। नाम सत्यवती है, मेरे घर में चोरी भई, हमारी थाने टणियावा 3 एप्लीकेशन दई, हमारी कोई नहीं सुनी, सारा रात दिन परे रहे थाने में, घर में आते रोटते पीटते, कोई ये तक नहीं पूछा कि तुम्हारी कैसे चोरी भई, किसने करी, किसी से कोई नहीं पूछा। अब मैं प्रधान द्वारा कोई भी हम किसको लिखाते हैं जो मेरे को शक पड़ती है, तो प्रधान कहता वो ऐसा काम नहीं कर सकता, हमारा कौन ऐसा काम करता है। और हम बाहर रहते थे, हमारी 2 लड़की और हम, सारा जेवर इधर निकाल के रख गए, मेरी 15 लाख की रकम है और मेरे घर में कुछ नहीं रहा। टडियावा थाना का एक गांव है, उसमें जो वहाँ के कुछ लोग आए थे, महिला पुरुष थे, उनका यह कहना था कि उनके घर में चोरी हुई है, अब जो पंजीकृत नहीं किया रहा, कोई कार्रवाई नहीं है। इस संबंध में द्वारा पता किया गया, अभी वो पंजीकृत हो चुका है और एक सस्पेक्ट से पूछताछ भी की जा रही है, शीघ्र ही इसका कवर कर दिया जाएगा और संतुष्ट होकर के चले गए हैं। खबर मैनपुरी से है, जहां 21 अगस्त को उपकेंद्र मंचना में बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर वहां से कीमती सामान चोरी कर रफू चक्कर हो गए। वहीं इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस ने चोरों का पीछा भी किया लेकिन बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने सभी चोरों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में जुट गई है। अज्ञात चोरों द्वारा सभी स्टेशन से लगभग 11 क्विंटल तांबा चोरी कर लिया गया, वहाँ पे कार्यरत कर्मचारियों को कक्ष में बंद कर दिया गया। उसके पश्चात से इसके घटना के वर्कआउट करने के लिए लगातार टीमें लगी हुई थी, साइबर सेल सर्विलांस LIU की टीम और कोतवाली की टीम, तकनीकी विश्लेषण से इनके बारे में जानकारी मिली।
तो रात चेकिंग के दौरान एक मैक्स गाड़ी मिली जिसमें से 7 क्विंटल इस घटना का तांबा बरामद हुआ, साथ ही 4 व्यक्ति पकड़े गए। लखीमपुर खीरी के कोतवाली मोहम्मदी निजाम गांव में युवा को आवारा सांड ने बड़ी बेरहमी से पटक पटक कर मार दिया। आपको बता दें कि ग्राम पिपरिया कप्तान में आवारा पशुओं का बड़ा प्रकोप है, जिसके चलते आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो वो सुबह 4:30-5 बजे के लमसम टॉयलेट के लिए वो उठे, टॉयलेट करने लिए उठे, तो टॉयलेट कर रहे हों जो भी हो, तो उत्तर साइड से उनके मकान के सामने सांड आया, अब उनको मारा, उसको टांगी ले गए बल सिंगों पे बल पे। अच्छा। अब ये मुन्ना मास्टर की जगह जो पड़ी हुई है वहाँ उनको मारा, सर में चोट आई, पीठ में चोट आई है, सब सींग बने हुए हैं, अब सीने पाया है। अब वहाँ पे जब सुबह देखा तो किसी ने जान नहीं पाया, इसके बाद वहीं पड़ोस में सांड भी बैठा हुआ था नींबू पेड़ के नीचे, अब वहीं कोने पर डेडवाड़ी हुई उनकी। खबर श्रावस्ती से है, जहां आगामी कजरी तीज त्यौहार को लेकर डीएम और पुलिस अधीक्षक ने सिरसिया क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं हर साल बाबा विभूतिनाथ मंदिर पर कजरी तीज पर लगने वाले मेला क्षेत्र का भी भ्रमण किया। आपको बता दें कि मंदिर प्रबंधक समिति और महंत के साथ बैठकर कजरी तीज के दौरान आने वाले भक्तों के लिए व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। वहीं इस दौरान थाना अध्यक्ष ने कजरी तीज के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।